यार सो मैं टेस्ट आउट करने वाला हूँ अब अपने गोप्रो को कि क्वालिटी कैसी आती है। गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार कल की वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि यार मैंने अपना गोप्रो हीरो 8 लिया था और हमने कल टेस्ट आउट की थी इसकी कुछ स्पेक्स, वेदर इट्स स्लो मोशन 1080p 4K तक हमने शूट किया था। और अगर तुमने वो वाला व्लॉग नहीं देखा अभी तक तो मैं आई कार्ड पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख लो। और बेसिकली मैंने जो ये GoPro Hero 8 है ये मैंने सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए लिया है। SJ Cam जो मेरा पुराना कैमरा था उसको रिप्लेस करके मैंने ये लिया है। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए यार तुम सिर्फ एक GoPro ही नहीं ले सकते, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज लेनी पड़ती है साथ में। अगर तुम्हें यू नो माउंट करना है वो अपने हेलमेट पे, तो मैं अपना हेलमेट तुम्हें दिखाता हूँ अभी और बताता हूँ यार कि मैंने क्या क्या नई एक्सेसरीज लिए हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। तो एक मिनट, यार तुम ये हेलमेट देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप पहले ही यू नो लगा के रखा था SJ Cam का। तो ये वाला जो J हुक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार J हुक बहुत ज़रूरी होता है अगर तुम्हें कैमरा अपना माउंट करना है। तो J हुक लगाने के बाद, और इस पर बेसिकली मैंने एक वीडियो और बनाई है कि कैसे तुम अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप करना जो ये J हुक ये लगा सकते हो मेरी तरह ऐसे मोटो व्लॉगिंग में, तो तुम जाकर वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये जो वायर है ये थी माइक की SJ Cam की, बट ये मुझे निकालनी पड़ेगी और ये माइक भी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने नया माइक लिया है अपने GoPro के लिए और माइक के साथ साथ मैंने एक अडेप्टर भी लिया है। तो जो ये मैंने एक्सेसरीज ली हैं इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है ये यूलानजी की है और ये बेसिकली केस है। अगर तुम GoPro Hero 8 ले रहे हो ना, तो तुम ऐसे किसी भी रैंडम केस में GoPro Hero को फिट नहीं कर सकते। तुम्हें स्पेशली ये यूलानजो का स्पेशल GoPro Hero 8 के लिए जो भी ये केस आता है ये लेना पड़ेगा। मैं हर चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें तुम अपने GoPro को फंसाओगे और यहाँ पे तुम एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो अगर तुम्हें व्लॉगिंग करनी हो अपने यू नो GoPro Hero 8 के साथ। अगर तुम्हें व्लॉगिंग नहीं करनी, मोटो व्लॉगिंग करनी है, तो बस तुम अपना कैमरा इसके अंदर फिट कर दो। और ये जो यू नो तुम देख रहे हो ये जगह, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी की वजह से मैंने ये केस लिया है। तो ये बेसिकली अडेप्टर के लिए है। तो मेरे SJ Cam में कोई भी नॉइस कैंसिलेशन अडेप्टर नहीं था, दैट्स द मेन रीज़न कि मैंने ये GoPro परचेज़ किया। इसके साथ तुम्हें एक अडेप्टर मिलता है, पूरी जो नॉइस है, तुम 100 से ऊपर चले जाओ यार तो पूरी ये जो नॉइस है वो कैंसिल कर देता है। तो वही टेस्ट आउट करना है हमें आज। तो दूसरी चीज़ वही मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार कि ये वो यू नो अडेप्टर है GoPro की तरफ से, और इसकी जो अडेप्टर है ये मुझे पड़ा था अराउंड 4500 का। बहुत एक्सपेंसिव है बॉस लिटरली, लेकिन इट्स वर्थ द मनी। जितना मुझे अभी तक पता चला, जितनी मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी है कि कितनी नॉइस कैंसिलेशन करता है ये, और इसके साथ लाइफ टाइम की यू नो तुम्हारे को वारंटी आती है। तो डेफिनेटली यार अगर मोटो व्लॉगिंग अच्छे से करनी हो तो ये वाला अडेप्टर ज़रूरी है। और लास्ट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये मेओनो का माइक, सिंपल सा माइक है, 450 रुपये का माइक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव माइक मैंने लिया नहीं क्योंकि अडेप्टर सारा काम कर देता है। तो इसको निकालते हैं, ये बेसिक सा माइक है, एक लेवियरन माइक है। तो ये अटैच करता हूँ मैं अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ और इसको माउंट करता हूँ अपने एग्जॉर के हेलमेट पे और टेस्ट आउट करते हैं यार कि कितनी नॉइस कैंसिलेशन करता है। बिकॉज अभी जो राइड मैं करने वाला हूँ उसमें मुझे बहुत ज़रूरी थी ये सारी चीज़ें, अपना GoPro माउंट, GoPro का और नॉइस कैंसिलेशन अडेप्टर और एक लेवियरर माइक, सिंपल सा कोई भी। तो अभी इसको जस्ट मैं फिक्स करता हूँ इस बॉक्स में और फिर अपने हेलमेट पे लगा के देखते हैं यार, और उसके बाद टेस्ट आउट करते हैं, एक राइड करते हैं छोटी सी, तो पता भी चल जाएगा क्वालिटी का कि यार GoPro की क्वालिटी कैसी है मोटो व्लॉगिंग की और यू नो वीडियो क्वालिटी। ये अडेप्टर का टाइप सी है ना, इसको तुम कैमरे के टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट कर लेना। और जो अडेप्टर में एक माइक के लिए ऑप्शन है तो उससे तुम इस लेवियर माइक को अटैच कर सकते हो।
और ये वाला माइक तुम अपने हेलमेट में अंदर से तुम अपनी पैडिंग निकाल सकते हो इस हेलमेट की, और अपने यू नो यहाँ पे चीक के पास रख सकते हो ताकि जो भी तुम बोलो तो वो कैप्चर हो अपने हेलमेट में। तो मैं अपना SJKM का जो पहला ये जो माइक है ये मैं निकालता हूँ और इस लेवियर माइक को ऐड करता हूँ GoPro के। ओके यार, सो मैं टेस्ट आउट करने वाला हूँ अब अपने GoPro को कि क्वालिटी कैसी आती है। फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ यार GoPro से, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितनी नॉइस कैंसलेशन है इसमें। और मैं ट्राई आउट करने वाला हूँ अभी 60-70 की स्पीड में भी कि ये राइड्स के लिए सही ही होने वाला है ये कैमरा और अडेप्टर जो मैंने इतना एक्सपेंसिव लिया है। तो अभी घर निकलते निकलते साथ में टेस्ट आउट भी करते हैं अपने GoPro को, और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है यार। मैं तो सिर्फ पोस्ट एडिटिंग में देख पाऊँगा यार कि कितनी नॉइस कैंसलेशन हुई है। और शिमला से निकल रहा हूँ यार अभी, और इसके बाद में जाऊँगा घर की तरफ, बट उससे पहले मुझे मिलना है यार अपने एक फ्रेंड से। है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र जा रही है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और SJKM इतना बड़ा नहीं था। अभी तुम अगर कैमरे पे देख पा रहे होंगे ना तो ये वाला जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा जाइंट सा है, और इस पर बहुत लोगों की नज़र जाती है। डेफिनेटली एक बार तो मुड़कर देख ही लेते हैं यार कि ये क्या लगा के रखा है हेलमेट पे। थोड़ा सा जाइंट है, और अगर लंबी राइड पे पहनना है तो आदत डालनी पड़ेगी मुझे इतने भारी सेटअप की, क्योंकि इतने भारी सेटअप की मुझे आदत नहीं है। अभी मैं ढली पहुंचने वाला हूँ, मैं ट्राई आउट करना चाह रहा हूँ यार इसको 70-80 की स्पीड में, बिकॉज 70-80 इज़ अ कॉमन स्पीड ड्यूरिंग राइडिंग एंड अ लॉन्ग स्पैन। सो 80 तक अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती मुझे तो फिर वी कैन गो अहेड यार विद आर लॉन्ग राइड, और पैसे अपने पूरे वसूल हो जाएंगे। अभी यार मैं वाइजर खोल के 60-70 की स्पीड में देखता हूँ यार कि साउंड क्वालिटी कैसी आती है, और इतनी स्पीड में अगर मैं SJKM में करूँ तो कोई भी साउंड नहीं आती, बट अब देखते हैं पोस्ट एडिटिंग में क्या होता है।